नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल पे। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि एक अपराध जो कि गलती से हुआ था हमारे प्रिय अर्जुन से, उसकी सजा उनको मिल रही थी कि उनको देश निकाला किया जा रहा है, लेकिन किसी तरीके से दुर्योधन ने कन्विंस कर लिया कि नहीं, देश निकाला नहीं, अर्जुन के चरण धोले वही पर्याप्त है। एक भैया उनको दिल में सुकून उसी से मिलेगा। हाँ, पैरों में गिर जाए किसी के। अब कर्ण को ये बात हजम इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि दो दिन पहले कर्ण की जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल ही प्रतिकूल थी कि वो किसी युवराज के सामने खड़े भी हो सके, और आज एक युवराज उनके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर के आया कि दूसरा युवराज पांडुपुत्र उनके चरण धो करके अंगराज कर्ण से माफी मांग। लेकिन अंगराज कर्ण की इच्छा ये भी नहीं थी कि हम वो किसी और, उन्होंने तो तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित वाली भावना लेकर के दुर्योधन को सब सर्वस्व दान दे रखा है। आप बोलो तो शीश नवा दें, आप बोलो तो अगले का शीश नवा दें, सिंपल सी चीज है। लेकिन उनको प्रतियोगिता में भाग लेने में ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं कि किसी का अपमान करें। अपमान क्योंकि जिसने, जिस व्यक्ति का स्वयं जिंदगी भर, जीवन भर अपमान हुआ हो, वो दूसरों को अपमान करके कभी हर्षित नहीं हो सकता है। खैर, इन्हीं सब बातों के साथ चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ, जो कि है एपिसोड 56 पार्ट 2। मुझे क्षमा कर दीजिए अंगराज, के अंदर क्या चल रहा होगा अर्जुन इस वक्त, केवल मतलब समझ लो शून्य की स्थिति में आकर के केवल जो लोग बोल रहे हैं वो फॉलो करना, किस कदर क्रोध रुको रोक के रखे वो भी देखने वाला है ना। और यही चीज तात्री भी देख रहे हैं, यही चीज युधिष्ठिर भी देख रहे हैं, यही चीज कर्ण भी देख रहे हैं कि अगले बंदे के अंदर पोटेंशियल है, वो चाहे तो इस वक्त सबको जवाब दे सकता है, लेकिन उसे भी जवाब आदेश पालन कर रहा है, लेकिन वो आदेश का पालन कर कर रहा है। बड़प्पन इसमें नहीं है कि आपके अंदर सामर्थ्य कितना है, बड़प्पन इसमें है कि उस सामर्थ्य के बाद आपका उस पर कंट्रोल कितना है। देखें क्षमा देते भी हैं। चलो संजय, भोज का अवसर नष्ट हो गया। यार महाराज, मैं अब भोजन नहीं करूंगा महामंत्री, किंतु हां एक घोषणा करने के लिए इस राजभोज का आयोजन किया गया था। वो घोषणा जरूर करूंगा। वो घोषणा मत कर, वो इनके बेटे के प्रति होगी लग रहा मुझे। कल रात काल राज्यसभा में हस्तिनापुर के युवराज की घोषणा हो गई, युवराज की घोषणा हो गई, युवराज की घोषणा हो गई। लगी रहा था मुझे। मजा आने वाला है भाई आगे, क्योंकि अब तात्री जाएंगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तात्री अकेले में बहुत बुरे तरीके से कूदते हैं। माता कुंती भी सोच रहे हैं कि इस राज्य में आके हमारे बच्चों के अपमान ही अपमान मिला है, इससे बढ़िया तो वहीं खुश है, क्योंकि भाई राज्य की लालसा थी। उनके जीवन इनका बहुत सुखद बीत रहा, इसी में राज्य की लालसा नहीं, लेकिन वही है नियति। अपनी इंद्रियों पे यदि मनुष्य विजय पा ले तो वो स्वयं को नारायण से मिला सकता है। पांडु ने अगर उसको अपनी इंद्रियों पे विजय पाई होती आज उसके परिवार की दशा नहीं होती। अवश्य कल दुर्योधन की घोषणा होगी युवराज के रूप में,
राजा अर्जुन के अपमान के पीछे भी यही कारण था। जब सामर्थ्य को नहीं तोड़ पाए तो सम्मान को तोड़ने का प्रयत्न किया, जिससे कल राज्यसभा में हम अपना पक्ष न रख पाए। क्या पक्ष है हमारा नकुल? यही कि युवराज पद पर आपका अधिकार है भ्राताश्री। नहीं, भगवान इंद्र ही ये निश्चित करते कि कितनी वर्षा कहाँ करनी है। सारे जीवों को उनके अनुकूल बनना पड़ता है। राजा का अधिकार भी ऐसा ही होता है। किंतु ज्येष्ठ, किसी कारण से कुछ समय के लिए यदि किसी को कोई राज्य प्राप्त हो जाए, उससे राज्य पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार। धृतराष्ट्र के लिए बोल रहा है, कार्यकाल राज्य। इंद्र तो अमर है, मनुष्य नहीं। भूमि पर राज्य तो सबको कुछ समय के लिए ही प्राप्त होता है ना। इसी कारण ऐसी परंपरा है कि सिंहासन पर जो जितने समय के लिए बैठे उतने समय के लिए उसका अधिकार संपूर्ण माना जाता है। और कोई अपने बाहुबल से वो राज्य जीतकर राजा बन जाए तो तब तो उस नए राजा का अधिकार हो जाता है ना। हम अपने बाहुबल से ये राज्य प्राप्त करेंगे। जेस्ट, युद्ध करना पड़ा तो युद्ध करेंगे। हम अर्जुन के अपमान को भी नहीं भूल सकते। फोन खो गया भाई। किससे युद्ध करोगे भीम? अपने परिवारजनों से, पितामह से, सात श्री से, चाचा श्री से, या फिर अपने भाइयों से? नहीं भीम, तुम युद्ध का विचार भी नहीं ला सकते। महाराज का जो निर्णय है सर्वमान्य होगा, वो हमें मान्य करना होगा। राजकुमारी, दुख का विचार करते रहने से दुख केवल बढ़ता है। अब आंसू मत बहाइए। आज मेरे एक पुत्र का अपमान हुआ। मेरे ही दूसरे पुत्र के हाथ, भाई के हाथों भाई का अपमान हो तो किंतु वो दोनों जानते ही नहीं राजकुमारी के उनके बीच क्या संबंध है। राजकुमारी, वे दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। शत्रु तो एक दूसरे का अपमान करते ही हैं। समय आने पर राजकुमार अर्जुन भी अपने अपमान का प्रतिशोध लेकर संतोष प्राप्त कर ही लेंगे। अर्जुन का हृदय सुलग रहा होगा इस समय। अर्जुन को अभी भी पता चल जाए कि वो मेरे भाई हैं। वो कर्ण से बैर लेने के लिए कोई संकल्प करे, उससे पहले मुझे उसका मन शांत करना होगा। माता, पुत्र अर्जुन। भाई यार,
दूसरा सिंह। ये व्यक्ति मौका नहीं चूकता। बॉन्डिंग दिख रही है, बहुत अच्छे है। अग्नि स्नान माता, आपके दुख के आंसुओं में अग्नि स्नान करवाते हैं। स्नान करके प्राश्चित कर, आज मेरे कारण आपकी आंखों में आंसू आए माता। नहीं पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अवश्य मेरा ही दोष है माता, आपने मुझे सदैव सिखाया कि शक्ति का दूसरा नाम धैर्य है। समझ गए उस चीज को, ये बड़ी बात। अपना धैर्य खो देता है, सजा मिलती है इसीलिए कि आपको समझ में आए। दरअसल इसी कारण उनके मन में अभी कोई अपमान को लेके या इसको लेके कोई सवाल नहीं है। ये है कि मैंने गलती सजा दी जाती है, ये मेरा दोष है। तो सजा इस चीज के लिए दी जाती है कि जो आपने गलती की है उसके ऊपर स्मरण करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर समय और कारण दोनों दिया जाता है। कारण आपके आंखों में आंसू आए, क्या आप उस बारे में विचार करें? जैसे हम इंडियन आर्मी की बात करें, अगर आपने किसी ऑफिसर की बात को अनफॉलो किया तो आपको तुरंत इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि जाइए ग्राउंड पे 10 चक्कर लगाइए, फ्रंट रोल करिए, फलाना करिए, धक्काना करिए। तो इससे होता क्या है कि आप जिस वक्त वो अपने शरीर से क्रियाकलाप कर रहे होते हैं, मन में एक ही चीज चल रहा होता है, मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी। और जिस वक्त ये ज्ञात हो जाता है कि गलती ना होते हुए भी आप अपनी गलती ढूंढ लें, गलती ना होते हुए भी आप अपनी गलती ढूंढ रहे हैं, यह आपका बड़ा फल है। गलती होते हुए आप अपनी गलती छुपा ले जाए तो ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता का संदेश देता है। दुर्योधन ने गलती की, भीम को मार दिया, गलती नहीं अपराध था। एक विषय गौर करने वाला है, जो आज संपत्ति आपकी है कल किसी और की थी और आने वाले गत भविष्य में किसी और की होगी। यानी ना आपका यहां कुछ है ना आपका यहां कुछ था, बस मिला है तो एक छोटा सा क्षण जिसमें आप उस पर अधिकार जमा सकते। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, इन द फिलॉसफी। कहने का तात्पर्य यह है कि शुरू शुरू में देखा जब हमने अर्जुन का अपमान का बदला जो है वो ऐसा लोगों ने अज्यूम किया कि वो धृतराष्ट्र ने जो है वो युवराज पद की घोषणा पहले से ही डन कर रखी है कि किसको युवराज बनाना है। तो जब समझा रहे थे कि अधिकार आपका है किसको, युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहा कि कैसा अधिकार, इंद्र कभी वर्षा करने में कमी नहीं कर सकते, राजा हमारे इंद्र है, मैं यहाँ पे राज्य करने के लिए नहीं आया हूँ, राज्य का सेवक हूँ, जितने समय के लिए मिलेगी अगर सेवा मिलती है तो सेवा करूंगा, अन्यथा कोई बात नहीं। जिसपे अधिकार रहता है पूर्ण तरीके से होता है, उन्होंने ये बताया। कहने का तात्पर्य यह है कि एक उचित राजा वही है जो अपने कार्य को सेवा समझ करके करे, अधिकार समझ करके नहीं। बाकी इस एपिसोड में क्या हुआ वो आपने देखा हमारे साथ, आपको ये एपिसोड कैसा लगा थोड़ा सा हमें बताइएगा कि अर्जुन ने जो लास्ट में धैर्य वाली बात कही क्या वो उचित थी। फिलहाल मेरे हिसाब से तो उचित थी, उचित। धैर्य इंसान को शक्तिशाली बनाता है, पर क्या हमेशा धैर्य रखना उचित है या धैर्य खोना कई बार आपके सम्मान की रक्षा करता है। इन्हीं सब सवालों के साथ बने रहिए हमारे साथ, और हाँ प्लीज हमें अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए। तब तक के लिए राधे राधे।